हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड कर रहा हूं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर साहब जब सदन को संबोधित कर रहे थे तो मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उनका भाषण आज बहुत ऊंचे स्तर का था। हम सब बड़े ध्यान से उनकी बात को सुनते हैं। सारा मुल्क उनकी बात को ध्यान से सुनता है। उनकी बहुत बड़ी देन है इस मुल्क के प्रति और हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ मुल्क को दिया है और आज भी दे रहे हैं। परंतु डॉक्टर साहब को यह शोभा नहीं देता है कि व्यक्तिगत बातों की तरफ वह इतना ज्यादा इशारा करें। उनके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लिए यह शोभा की बात नहीं है। इसको लेकर उनके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की कुछ आलोचना होती है और यह मैं उनको एक साथी की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से कह रहा हूं। इससे हमको भी तकलीफ होती है। वह शायद इस बात को जानते नहीं है कि मुंह पर तो शायद बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते होंगे, लेकिन उनके अलावा और भी लोग हैं, हम जैसे भी लोग हैं, जो कि उनके गुणों को एक तराजू पर तोलते हैं। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसी बातों की चर्चा वह कम किया करें और जिन सिद्धांतों को लेकर, जिन उसूलों को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की चर्चा ज्यादा करें। उन्हीं उसूलों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा और उनका दोनों का कल्याण होगा। इससे देश का भी बहुत बड़ा कल्याण वह करेंगे। एक बात के ऊपर मैं उनके नेतृत्व को मानता हूं कि हिंदी के बारे में, प्रांतीय भाषाओं के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जो उसूल उन्होंने रखे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को आगे लाकर अंग्रेजी को जो वह हटाना चाहते हैं, उसमें हम दिल से उनका समर्थन करते हैं। इसके लिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, यहां इस सदन में भी करते हैं और सदन के बाहर भी करते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि उनके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं एक शेर भी उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। प्रजातंत्र में हम लोग रह रहे हैं, राजनीति में हम लोग भी आए हैं और आप लोग भी आए हैं। किसी का कुछ किसी दूसरे से छिपा हुआ नहीं है। जो उधर होता है उसकी जानकारी हमें होती है और जो हमारी तरफ होता है उसकी जानकारी उनको होती है। अगर हम इस तरह से खुलकर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे तो
यह एक विराट रूप हो जाएगा। इस वास्ते ऐसी बातों के बारे में जवाब और आंख बंद रखें, तभी अच्छा होगा। अगर हम लोग एक दूसरे के बारे में कहना शुरू कर देंगे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि हम लोगों की बात का भी डॉक्टर साहब पर शायद कभी कभी असर होता है। अध्यक्ष जी, हम लोग खाद्य मंत्रालय की मांगों पर यहां सदन में विचार कर रहे हैं। हमसे कई सदस्यों ने इस मंत्रालय को बहुत धन्यवाद दिया है और उसके बड़े प्रशंसा की है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमारे देश में इस मंत्रालय ने बड़ा काम किया है, मगर हमारा आरोप है कि इस मंत्रालय ने इस देश की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। उसके लिए इस मंत्रालय को कोई सजा मिलनी चाहिए। यह बात अवश्य ठीक है कि इस हाउस में कोई सजा नहीं दे सकता, आलोचना जरूर की जा सकती है। मेरा यह दावा है कि इस मंत्रालय ने अपने 20 साल के शासन में देश की जनता को भूखा मारने पर, तबाह करने पर मजबूर किया है और हमारे देश की सरकार दुनिया भर के देशों में अन्न के लिए अपना दामन फैलाती है, जिसको सारा सदन जानता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे मंत्रियों की बड़ी तारीफ की जा रही है, यह तो इनकी मर्जी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं से आप देश को कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। जब चुनाव आता है तब हमारे लोग नारे दिया करते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 2 साल में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारा यह दावा है कि जब तक आप रहेंगे देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। यह मानने का सवाल ही नहीं है कि देश की जनता फैसला करेगी, लेकिन हमारा कहना है कि आपके काम सिद्ध करते हैं कि हमारी सरकार ने किसानों के साथ क्या क्या किया है। आपका एक नारा है अधिक अन्न उपजाओ, दूसरा नारा है देश में बच्चों की संख्या घटाओ, तीसरा नारा है अन्न नहीं मिलता है तो अन्न खाना छोड़ दो, और कभी कभी तो यह कह देते हैं कि हफ्ते में 2 दिन खाना मत खाओ, और फिर कहते हैं कि अनाज नहीं मिलता है तो आलू खाओ, आलू का हलवा खाओ। कितनी विचित्र बात है कि देश में जमीन उन लोगों को नहीं मिलती है जो खेती करते हैं। अभी मुझे मालूम हुआ है कि सरकार ने हमारे देश में खेती की भूमि कितनी है कि जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। जांच करने के बाद पता चला कि हमारे देश में 5 करोड़ एकड़ खेती करने लायक जमीन है और उस जमीन पर अभी तक खेती नहीं हो रही है। पिछले दिनों हमारे देश के तमाम दलों ने मिलकर यह आंदोलन किया कि प्रदेश की जमीनों का बंटवारा किया जाए। हमारे प्रदेश में भी जमीनें
सुरक्षित कराई गई ऐसी जमीनें जो जंगल के काबिल बिल्कुल नहीं है, फिर भी जंगल लगाने के नाम पर जंगलों के अधिकारियों ने उन्हें अपने कब्जे में किया, जहां तमाम ठेकेदार खेती से फायदा उठाते हैं, लेकिन यदि गरीब जनता जमीन पर खेती करती है तो उनसे जमीन छीन ली जाती है। स्टॉप। मित्रों, ये जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट में बोली गई है, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो आपने डिक्टेशन लिखी है इसकी आउटलाइन को पढ़ने की कोशिश करें और फिर उस आउटलाइन से लिप्यंत्रण भी करें, और अगर लिप्यंत्रण करने के बाद आप दोबारा डिक्टेशन को सुनकर उसकी गलतियों को देख सकते हैं कि आपसे कितने प्रतिशत शुद्ध टाइप किया गया है। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।